बैक टू बच्चा नल तेजा ब्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और साथ में है सूर्या दीदी। तो गाइज अभी हम लोग यहां पर खड़े हैं, कल होने वाला है गणतंत्र दिवस का समारोह जो कि मुल्ताई में बरसों से मनाया जाता है। धूप आ गई गाइज, तो हम आज की तैयारियों का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर बैक साइड में क्या चल रहा है, चूल्हे की लाइन डल रही है, तैयारियाँ हो रही है। कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे से यहां पर प्रोग्राम है और हमेशा की तरह प्रतिभाषानुसार कोरोना के भीषण काल के बाद यहाँ पर एक बार फिर से तैयारी जोरों शोरों से है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ की तैयारियाँ है कैसी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको दो भाई साहब यहाँ पर चूना ले जाते हुए दिख रहे होंगे एसीसी का। और ये तीन लाइन है जिस पर परेड चलने वाली है। इधर बड़ी संख्या में चेयर्स लगा दी गई है और कुछ अतिथि वगैरह जो है मुल्ताई विधायक SDM वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। और इसके अलावा ये वाला जो आपको दिख रहा है सेक्शन, यहाँ पर गणमान्य नागरिक मुल्ताई के, और उधर साइड में एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं बैठेगी। बकायदा यहाँ पर DJ साउंड आपको दिख गया होंगे और ये तैयारी शाम तक चलेगी। कल सुबह से प्रोग्राम है जो तकरीबन हमारे यहाँ 12:30 बजे, और एक भी बज सकता है गाइस यहाँ पर है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जगह जगह खम्भे टाइप लगा दिए गए, मार्च पास इधर से ही होगा। और ये जब यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी होती है गाइस, और दूर आपको गौ माता भी दिख रही होगी जो वो कुछ आ रही है एक तरह से। और यहाँ पर भी पूरे मार्क्स कर दिए गए गाइस। और ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ इसके बाहर ही रहेंगे सारे बच्चे, बच्चे नहीं सारे ऑडियंस, हाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये थी आज की मतलब 25 जनवरी की एक तरह से ब्लॉगिंग, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर। आप ज़रूर यहाँ पर मुल्ताई में पहुँचे। इसके अलावा हमारे जिला मुख्यालय पर भी कलेक्टर साहब झंडा वंदन करेंगे, और भी मतलब एक लिस्ट निकलती है गाइस इसकी, तो उस हिसाब से सभी लोग झंडा वंदन करते। एक बार हमारे यहाँ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मुल्ताई से जो विधायक थे श्री सुखदेव पांसे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा जिला मुख्यालय पर झंडा वंदन किया गया था। और मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा छिंदवाड़ा में झंडा वंदन किया गया था, उन्होंने उसी को चूज़ किया था। मुख्यमंत्री साहब है वो थे मतलब उस टाइम तत्कालीन, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को गणतंत्र दिवस की, और ऐसे ही सालों साल 26 जनवरी आप लोग मनाते रहे। अपने बच्चों को अपने आप को तैयार करें, और परेड मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित है। मुल्ताई लोकल प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सहित राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ये सभी मिलकर इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो चलते चलते मैं एक बार आपको दीदी से मिलवा देता हूँ जो कि अभी तैयारियों में थोड़ी सी व्यस्त है। तो दीदी अब आपसे गुड बाय कहेंगी। गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, बट वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहे, बात करते रहे, बने रहे साथ में। तो गाइस आपका प्यार और आपका सपोर्ट बनाए रखे, धन्यवाद, थैंक यू।